अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की तैयारियों में आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो फाइनली मेरी भी प्रेप काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये शामी कबाब जो है ना ये बनाए हैं, और इस बार थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाए थे, लेकिन इनका टेस्ट इतना अच्छा था ना। ये तकरीबन आधा किलो चने की दाल थी, उसमें तकरीबन आधे से थोड़ी सी ज़्यादा लाइक 600 ग्राम्स चने की दाल थी, उसमें 800 ग्राम्स जो था वो मैं चिकन बोनलेस डाला था। आप हड्डी वाला भी डाल सकते हो। उसके साथ लहसुन था, एक बहुत बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का, यानी कि 1.5 लहसुन का पूरा जवा डाला था। अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा डाला था, एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज था, और 5 से 6 हरी मिर्चें थी, और ये सारे गरम मसाले आपने देखा, तेज़पात था, दालचीनी थी, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे तेज़पात हो गया, और ये सूखा धनिया मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है। साथ में इसमें नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगा, बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं ना वो तो इसमें डाल के इसको हम लोग लगा देंगे प्रेशर कुकर। आप इसको नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हो, अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना, क्योंकि मैंने इंस्टेंट बनाया था। दाल मैंने फटाफट गर्म पानी में भिगो दी थी और साथ ही मैंने सब कुछ डाला और इसको कुकर लगा दिया। तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 ग्लास पानी मैंने इसके अंदर डाला और इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। आवाज़ के लिए ज़रा माजरत, आजकल गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। खैर, आपने देखा मैंने सारा कुछ इसके अंदर डाल लिया था और अब बस प्रेशर कुकर लग गया था। प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया, सब कुछ परफेक्टली कुक हो गया था, परफेक्ट तरीके से। चिकन जिस तरह मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे था, दाल भी बहुत गल गई थी। आप इसको ज़्यादा भी गला सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने मैश करना है, तो कूटने से बेहतर है। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बोता पानी डाल लेती हूँ, बोते से या तो यानी कि 1.5 ग्लास डाला, तो मैं 2 ग्लास डाल के इसको अच्छे से अंदर ही दाल पूरी मैश हो जाती है, क्योंकि ये है चना दाल, तो ये बहुत जल्दी पानी को ना खुश्क कर लेती है, अपने अंदर सोख कर लेती है, इसलिए पानी की टेंशन नहीं होती। अब आपने देखा मैंने सारा चिकन जो है वो बोनलेस निकाल दिया था, बड़े बड़े अज़ा जैसे दालचीनी और बड़ी इलायची, तेज़पात, यूं की चीज़ें जो मुँह में आएँ और अच्छी नहीं लगे, वो सारी मैंने निकाली थी, और ग्लास की मदद से यानी कि उसकी बैक साइड की मदद से मैंने अच्छे से दाल को मैश कर लिया था। मैं थोड़ी सी ना इसको लाइक खड़ी खड़ी भी रखती हूँ दाल, मुझे ज़्यादा मैश भी पसंद है, लेकिन समटाइम्स मैश नहीं भी पसंद, तो ये मीडियम था, लाइक 80% तक दाल जो थी वो इसके अंदर बिल्कुल मैश थी, बहुत अच्छे से गल गई थी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया था। अच्छा, बेसिक मसाले जो हमने डालने थे वो तो हमने डाल दिए। चिकन यहाँ पर मैंने अच्छे से बोनलेस जो था वो मैंने इसके अंदर ही तोड़ दिया, क्योंकि बहुत अच्छे से कुक हुआ था और गर्म बहुत था, इसलिए मैंने जितना हो सकता था ना ये डंडे मार मार के इसको तोड़ा, ताकि ये अच्छे से ना लाइक रेशा रेशा हो जाए। तो बाद में अब इसमें मसाले जो भी होते हैं एक्स्ट्रा आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मुझे नमक कम लगा था, मैंने नमक डाला इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला, और चाट मसाले के साथ मैंने इसके अंदर डाला 1 टेबल स्पून ये इसके अंदर गया है अचार गोश का मसाला, मुझे बहुत उसका फ्लेवर पसंद है अचार गोश का, तो मैंने इसलिए वो डाला था। साथ में कसूरी मेथी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाले, एक अंडा शामिल कर दिया था मैंने इसके अंदर, और बिलीव भी मुझे नहीं पता था कि अंडा डालने से इतना मज़ेदार फ्लेवर होता है। तो खैर, ग्लव्स आपने हाथों में पहन लेने हैं, ठीक है, ताकि आपके हाथों में स्मेल ना हो। और जो धनिया था वो मैंने एक बहुत मतलब बड़ी जो गुच्छी होती है वो लेके, तो मैंने इसको अच्छे से छोटा छोटा सा काट लिया था, और साथ में मैंने इसको फटाफट सब कुछ मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके 5 मिनट का रेस्ट दें, और साथ ही शामी कबाब बना के आप इसको फ्रीज़ कर लें, ठीक है। आप अपने अच्छे से, यहाँ पे मैं रुक रुक के बना रही थी, क्योंकि साथ में मैं अपनी सासू माँ के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उनको बहुत पसंद है, फिर वो कहते ये देखे साथ मेरी वीडियो कॉल ऑन है, साथ में मैंने उनके लिए शामी कबाब बनाए और पुदीने वाली चटनी बनाई, साथ में हमने ईरानी रोटी थी, और बहुत मज़ा आया, अल्लाह बहुत मज़ा आया। वो पुराना बचपन याद आ जाता है समटाइम्स जब हम लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो वो आप साथ में वीडियो कॉल देख सकते हैं, वो शॉपिंग कर रहे थे, वो मुझे दिखा रहे थे कि तुम्हें क्या पसंद है ये वो ले लो। तो शामी कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा बना इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मैंने आजमाया था, लेकिन ये तरीका अब मेरा परमानेंट ही रहेगा, क्योंकि बहुत बहुत चंगा फ्लेवर था, नॉट मोर स्पाइसी, बहुत फ्लेवरलेस नहीं, बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर इसका आया था, और आप इसकी शक्ल देख सकते हो, बहुत प्यारी थी। एक बैच जो था वो चला गया था फ्रीज़र में, और अब ये सेकंड बैच था, मैं इसको थोड़ी देर प्लेट में रख के जब ये फ्रीज़र मतलब थोड़े से फ्रोज़न हो जाते हैं, फिर निकाल के इसको अपने जो हैं हमारे
जिप लॉक बैग्स हैं उनमें डाल देती हूँ। सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो मैंने बनाई थी स्ट्रॉबेरी प्यूरी। ये मैं बना रही थी स्पेशली रमदान में ड्रिंक्स बनाने के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है। स्ट्रॉबेरीज मैं कितनी देर से स्ट्रॉबेरीज लेकर आई हुई थी और मैंने कहा आज बनाती हूँ, लेकिन वैसे स्ट्रॉबेरीज निकाली, बच्चों ने खा ली, मैंने खा ली तो फिर मैंने कहा नहीं अब फाइनली बनाएंगी। इसके साथ रमदान में इंशाल्लाह मैं बहुत बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्यूरी बनाने का बहुत फ़ायदा है, इसको मतलब आपने देखा मैंने ज़रा पानी ऐड नहीं किया इसके अंदर, तो आप इसका शेक बनाओ, आप इसका कह लो क्या उसको कहते हैं, वैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ जैसे हम मिंट मार्गरीटा बनाते हैं ना, इस तरह स्ट्रॉबेरी स्प्लैश बनता है बहुत टेस्टी, तो ये उसकी रेसिपी है। मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी, बहुत इजी पीजी। आपने बस प्यूरी बना लेनी, और प्यूरी को मैंने अपने ये जो नया मैंने हनी कॉम आइस ट्रे मंगवाया था मैंने टीमों से, और मुझे नहीं पता था दिस वॉज, मैंने पहले सोचा यार दिस इज़ द वेस्ट ऑफ मनी, पता नहीं कैसी होगी, लेकिन यार क्या बम्बो चीज़ है, इतनी अच्छी यूज़ में आई, इतनी अच्छी यूज़ में आई और कितनी ईजीली इसमें से बाहर आए, मतलब कि उठाने में इतना ईजी, मुझे था चीज़ गिर जाएगी ये वो नहीं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर सब कुछ गया मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छी थी। इसके अंदर ना हर चीज़ फिक्स हो गई थी और फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में। खैर अब आप देखें फ्रोज़न हो के ये कितने क्यूट लग रहे हैं, इतनी क्यूट कैंडीज़ लग रही थी ना, मेरा दिल करता मैंने अभी चक्की काट के ना तो मैं खा जाऊँ, लेकिन खैर फिर मैंने अपने जज्बात पे कंट्रोल करते हुए फटाफट जिप लॉक बैग निकाला और उसके अंदर सारे मैंने ना ये जो क्यूब्स थे वो मैंने डाल दिया। अब जैसे ही मैं ड्रिंक बनाया करूँगी दो क्यूब्स या वन क्यूब निकाल के एक ग्लास में, हम इसको अच्छे से सर्व कर देंगे, शेक बनाने के इतना काम आएगा, बहुत फ़ायदा था मुझे इसका, बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने कहा ये अच्छी नेकी वाला काम मैंने कर लिया, अपना टाइम सेविंग कर लिया, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज हमेशा पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है, तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन था। साथ में आपको पता है ये जो मैंने अभी अपना शॉपिंग किया था रमदान के लिए, तो मैंने उसमें जो मैंने ये चॉपर लिया था मैं उसमें करी थी कद्दूकश, करी थी गाजर को, क्योंकि मैं स्प्रिंग रोल्स बनाती थी। साथ में आप देख रहे हैं इमली पड़ी हुई है, उसको मैंने पानी में भिगोया हुआ है चटनी के लिए। यहाँ पर मैं दोनों ऑप्शन ट्राई करी थी और यार बहुत ही अच्छी, बहुत अनमेसफुल काम था, यानी कि ज़्यादा मैसी नहीं, आराम से बॉक्स के अंदर हर चीज़ आ रही थी। इतने कम पैसों में जब आपको इतनी चीज़ अच्छी मिल जाए तो इस सच अ स्टील। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और पैन में हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, यहाँ पे बॉयल चिकन है, श्रेडेड है, मैंने एक ही साथ काफ़ी ज़्यादा चिकन बॉयल कर लिया था ताकि मैं स्प्रिंग रोल्स भी बना लूँ। साथ में मैंने समोसे बनाने थे लेकिन अभी तक समोसे बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो जो जो मैंने बनाया है बहुत हिम्मत करके बनाया, क्योंकि बीच में मैं सफाइयाँ भी शुरू की हुई थी घर की, काफ़ी ज़्यादा काम जो थे ना मैंने एक ही साथ शुरू कर लिया था, पंगा ले लिया था, लेकिन आजकल मेरे बच्चों की भी तबीयत नहीं ठीक तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ मैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह रमदान से पहले पहले काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लूँगी, और ताकि रमदान में हमें थोड़ा सा टाइम सेविंग्स हो, बंदा इबादत पे ज़्यादा टाइम दे ना कि लाइक बनाने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, गाजर ले ली थी और बंद गोभी डाली है, साथ में शर्ट चिकन है। इस बार मेरी वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, चिकन की भी ज़्यादा है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं ज़रा ना वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करूँ ताकि मेरे बच्चे भी अगर उन्हें भी पसंद है तो एटलीस्ट उनके अंदर भी थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स जाए, और मुझे तो वैसे ही स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद है। तो खैर मुझे चिकन थोड़ा कम लग रहा था मैंने और डाल दिया। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है, नमक जाएगा, 2 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगी और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चिली सॉस, और मेरे पास जो था विनेगर जो वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने बड़े साइज़ का मेरे पास लेमन था वो मैंने हाफ़ कट किया और वो फिर मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया, अल्टरनेटिव था ताकि थोड़ा सा वही फ्लेवर रहे। तो खैर फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आ गया था, आप मतलब इसमें ना मतलब आपने टेंशन नहीं लेनी, वो वाला तो मैंने आप लोगों को शायद सीन दिखाया ही नहीं, वो वीडियो मेरे पास क्लिप मतलब सेफ ही नहीं हुआ जहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर दम लगाया था ताकि सारी सब्ज़ियाँ ज़रा अच्छे से कुक हो जाए। तकरीबन 85% तक तो कुक इसमें होनी होती है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जब आपने फ्राई करना है या एयर फ्रायर करना है। तो इस बार जो था ना मैंने एयर फ्रायर पहले मैंने बना के ना एयर फ्राई करके चेक किया, तो मैंने कहा बहुत मज़ा आया, कलर अच्छा नहीं था लेकिन बहुत क्रिस्पी थे, क्योंकि इतनी पतली पतली समोसा ये रोल शीट थी ना, और फिर मैंने कहा इसमें यानी कि कार्ब्स भी कम होंगे। ओह माय गॉड, मैं और मेरी बोंगियाँ, यहाँ पर खैर लाइट का थोड़ा सा इशू होता है हमेशा जब मैं वाइट चीज़ रखती हूँ, पता नहीं आईफोन को क्या दौरा पड़ने लग जाता है। तो खैर ये देखें आप, अच्छे से वेजिटेबल्स जो थी वो मैंने मतलब हो गई थी, क्या उसे कहते हैं, नरम हो गई थी। तो खैर यहाँ पे बैटर बना लिया था मैंने मैदे का, और अच्छे से मैंने साथ में इस बार मैंने बॉक्स में रखी है
रोल रखें ताकि दूसरे पैकेट्स में ना लास्ट टाइम इतना मुझे मज़ा नहीं आया था, तो फिर मेरा दिल था इस बार जो रोल है ना स्पेशली उनको मैं बॉक्स में रखूँ, और कोशिश करूँगी कि समोसे भी मैं रोल बॉक्स में रखूँ अगर मेरे फ्रीज़र में जगह होगी तो। इस बार मैंने सबसे पहले अपना फ्रिज ही क्लीन किया, फ्रिज साफ़ किया, अभी हाफ क्लीन हुआ, फ्रीज़र डन हो गया, क्लीन हो गया, ताकि मैं अच्छे से उसको क्लीन कर सकूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड कर दूँ। तो ये फ़र्स्ट बैच बन गया, मतलब बन गया था, और इसके ऊपर अब फिर मैं ये बेकिंग पेपर रख रही हूँ। बेकिंग पेपर बहुत अच्छी चीज़ है और कोई चीज़ चिपकती नहीं है, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोल बहुत अच्छे बन गए थे। और ये देखिए मैंने फ्रीज़र क्लीन कर लिया था, यहाँ पे रोल रखे, यहाँ पे फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पैटीज़ बनाई हुई थी, ये बच्चों के नगेट्स फ्राइज़ हैं, और ये मैंने गोश्त मंगवाया हुआ था, इनको भी मैंने सबको ज़िपलॉक बैग में डाल के थोड़ा सा नीट क्लीन लुक दे दी थी। और अब फिर चटनी की बारी आती है, मैंने इमली की चटनी डाली थी थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट डाल के, तो खैर बड़ी अच्छी बनी थी। ये मैंने भिगो के रखी हुई थी और सारी गुठलियाँ वगैरह जो थी वो मैंने निकाल ली थी, और उसके बाद मैंने इसको कर लिया था ग्राइंड पानी डाल के। उसके बाद स्टेनर लेना है आपने, और स्टेनर डाल मतलब लेके तो अच्छे से ये सारा पल्प जो है ना ये आपने कर लेना है स्टेन। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है, ठीक है, शायद आपकी ये काम करते करते बॉडी बिल्डिंग बन जाए मेरा मतलब है कि आपके जब मसल्स बन जाए, बहुत मेहनत है भाई, मेरे तो मोटे ही रह गए, इतनी देर इसको स्टेन करना पड़ता है जी, स्टेन करी जाओ करी जाओ करी जाओ, मैं तो बहुत थक चुकी थी। खैर फाइनली सारा कुछ स्टेन हो गया था, मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला था, वही था जो मैंने जग में डाला था, जग में ऑलरेडी 2 ग्लास डाल दिए थे इसलिए। तो यहाँ पर देखें अभी ये पतली फॉर्म है, और अब साथ में मैं स्टोव कर दूँगी ऑन, और मैं ना स्टोव ऑन करके ना तो मैं पता नहीं क्या अपने बच्चों को खाना खिलाने चले गई, तो इसको एक दो बॉयल आया ना तो ये नीचे गिर गई, फिर मैं कहा चल खैर है कोई गाल नहीं। तो मैंने खैर अब इसके अंदर मैंने डाला है नमक, 2 टेबलस्पून नमक गए, बल्कि 2 टीस्पून नमक गए, और इसके अंदर 6 से 7 टेबलस्पून आपने डालनी है शुगर, ब्राउन डाल लें, चिटी डाल लें, गुड़ डाल लें, वट एवर यू लाइक, मीठी चीज़ चाहिए है ना सानू, ऑब्वियसली सी बात है, जैसे आपका दिल करता है वो चीज़ डालें। इसको बस फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और बाकी जो थोड़े बहुत मसाले ना वो हम इस पॉइंट पे नहीं डालेंगे, हम तब डालेंगे जब ये थोड़ी सी और कम हो जाएगी, यानी कि पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाले का इसके अंदर डाल दिया था 1 टीस्पून सिर्फ, और यहाँ चिली फ्लेक्स डाल गए हैं 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, हमने ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं करनी, हमने खट्टी मीठी करनी है इसीलिए चाट मसाला, और ये डाला, इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ जाती है। अब ये हाफ आप देख रहे हो पानी जो है वो एवेपोरेट हो गया है, और बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा और हो जाएगा। एंड पे मैंने ना इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी ड्राई जो आलू बुखारे होते हैं ना वो, और यकीन करें आलू बुखारा के कुर्बानी जो भी इसको कहते हैं, मैंने तो ये भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चीज़ थी, फिर मैंने इसके अंदर डाल दी जब टर्निंग पॉइंट से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स पहले, तो ये थिक हो गई थी। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत थिक भी नहीं करनी, हमेशा रनी फॉर्म में ही चटनी अच्छी लगती है, और मेरी चटनी बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली थी इसलिए बहुत अच्छी बनती थी। आप लोग भी इस रेसिपी से ट्राई करोगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की बनेगी। जब चम्मच को चिपकने लग जाए ना आपकी जो सॉस है, समझ लें कि वो डन हो गई है। इस पॉइंट पे आके ना मैंने अब इसको कहा मैं कि बस हूँ तुसी बुलबुले मारने बंद कर दो हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मैं अब आपको बार बार इसीलिए दिखा रही थी कि ये वाला पॉइंट होना चाहिए, और बस अब आपने चूल्हा कर देना है बंद, साथ ही बबल्स वगैरह हर चीज़ बंद हो जाएगी, और जैसे ही ये ठंडी होगी ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, फिर आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के तो आप इसको फ्रिज में रख लो up to 1 month और up to 1.5 मतलब कि 1.5-2 महीने तक आराम ना चल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। खैर ये देखिए माशाल्लाह चटनी जो थी ना मेरी बहुत अच्छी बन गई थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें मेरी डन हो गई हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी काम जो इंशाल्लाह वो कल पे छोड़ूंगी, और बाकी बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत दे हम अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दें। तो आई होप आप लोगों को जो मेरी वीडियो है ना वो मेरी मेहनत भी अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो लाइक द वीडियो। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और आपका प्यारा सा मैसेज बहुत मैटर करता है, इतनी मेहनत होती है ना जो की हुई उसका सिला मिल जाता है, तो बस आपकी तरफ से ये प्यार होता है, और मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़। और मेरे नेल से नेल पेंट उतर गई थी इसलिए इतने बकवास हाथ लग रहे थे, लेकिन अभी तक इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। खैर मैंने इस पर चिट लगा दी फॉर एक्स्ट्रा शशके लगाने के लिए, मैं कहा चल बहुत ही फ्रिज पर ही सोनी लगेगी, और डोंट जज माई हैंड राइटिंग,
वो मैंने बहुत डरते डरते लिखे थे। तो खैर यहाँ पे मैंने चटनी लिख दिया था, इमली की चटनी, बीच में हार्ट बना दिया था, खट्टी मीठी। तो आप प्यारा सा हार्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।